और बढ़ते आगे दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मंदिर में कथित तोड़फोड़ के बाद तनाव के हालात बने हुए हैं। लोगों ने देर रात थाने का घेराव किया, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भिलाई के रविदास नगर का ये पूरा मामला है जहां पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और छावनी थाना क्षेत्र के इस मामले में कार्रवाई का भरोसा पुलिस दे रही है लोगों को। लोग थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया गया। दरअसल मंदिर में कथित तोड़फोड़ किए जाने की बात को लेकर नाराज हैं यहां के लोग और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं। और पुलिस ने हालांकि आश्वस्त किया है लोगों को कि कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मंदिर में कथित तोड़फोड़ के बाद तनाव का सा माहौल यहां पर बना हुआ है और भिलाई के रविदास नगर की ये पूरी घटना है। रविदास नगर के इस पूरे कथित तोड़फोड़ के मामले में पुलिस के आश्वासन के बाद लोग अपने अपने घरों को लौटे। रात में ही थाने का घेराव लोगों ने किया था। और बढ़ते आगे रायगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल चक्रधर नगर पुलिस ने रायपुर से इसे गिरफ्तार किया। प्रतिष्ठा इन्फोकन चिटफंड कंपनी का ये डायरेक्टर है और अब तक 8 डायरेक्टर्स पर कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल कार्रवाई जो की गई है कंपनी पर 9 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। ज्यादा ब्याज देने के लालच में ये पैसे ले लिया करते थे और फिर इस पूरे मामले में धोखाधड़ी हुई और धोखाधड़ी के बाद शिकायत के बाद लगातार इस पूरे मामले में पुलिस दबिश दे रही थी और प्रतिष्ठा इन्फोकन चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। अब तक 8 डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। ये प्रतिष्ठा इन्फ्राकॉन एक कंपनी जो कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी और यहाँ पे उनका कार्य था छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर और आसपास के जिलों में, तो उसमें से कुल 8 डायरेक्टर्स थे जिसमें 7 की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी थी और अभी जो एक महादेव सोनी जो आखिरी इसका डायरेक्टर था इसको आज आप चक्रधर नगर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा पकड़ के लाया गया है और इनके द्वारा पहलपुर में ही जो संपत्ति थी उसका चिन्हांकन करके कोर्ट को दे दिया गया है और वो अंतिम स्थिति में है ताकि जो भी उनसे प्राप्त धनराशि नीलामी के बाद होगी निवेशकों को वापस कुल कितनी राशि सर? इसमें रायगढ़ में कुल 9 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। हमारा इन्वेस्टर सर टोटल इसमें 24 इन्वेस्टर्स अभी तक हैं और अगर होगा तो और उनको शामिल किया जाएगा। बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा के लिए अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी भारी बारिश की जानकारी मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान इसका जताया गया है और इस पूर्वानुमान के चलते जो अभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं पूर्वानुमान के आधार पर ये कहना है पूरा मौसम विभाग का कि अभी जो स्थिति बन रही है और जिस तरह का अभी इस वक्त दबाव बन रहा है वहां भारी बारिश की संभावना है जिसमें भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और मॉनसून का यह असर और इस मॉनसून के चलते यहां पर अच्छी खासी तादाद में बारिश हो सकती है और सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा के लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि भारी बारिश के बाद जो नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, कई बार पुलों के ऊपर से पानी बहने लगता है, गलियों में, सड़कों पर पानी ही पानी हो जाता है। ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है और अगर आपका कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम है किसी कार्य प्रयोजन के चलते तो इस बारिश के चलते आप अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल कर सकते हैं या फिर एहतियात बरत कर बाहर निकलें। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग बारिश के प्रभाव में रहेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक पर वीडी शर्मा ने बयान दिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। चुनाव विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वहीं स्वर्णिम मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी।
बीडी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका इस पर कहना। वहीं युवा मोर्चा हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालेगा, बीडी शर्मा ने इसके बारे में जानकारी दी। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसके बारे में जानकारी दी। विधानसभाओं के सम्मेलन जुलाई माह में हम हर विधानसभा के पन्ना प्रमुख पन्ना समिति तक के सदस्यों को एक बड़े सम्मेलन हर विधानसभा में होंगे। ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। युवाओं की भैया बाल हटाना, युवा तिरंगा यात्राएं, देशभक्ति के भाव के साथ प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा मोर्चा बड़े पैमाने पर करेगा। साथ में ही लाखों लोगों से मध्य प्रदेश के अंदर जन आकांक्षाओं को एकत्रित करने का काम हम करेंगे। और जो हमने कहा था 51% वोट शेयर, बूथ विजय का संकल्प हमने दिया था, उस पर भी आज व्यापक चर्चा हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर आएंगे। इस दौरान वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा करेंगे। अमित शाह आज शाम 6:50 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां से वो सीधी बीजेपी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे सीधा, और यहां 8 से 10 बजे तक पार्टी के नेताओं के साथ बैठक होगी और यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा घर घर मोदी की सभा का न्योता देने के लिए प्रभात फेरी निकालेगी। दरअसल प्रभात फेरी निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर न्योता दिया जाएगा घर घर। कल रायपुर पश्चिम विधानसभा में प्रभात फेरी निकाली जाएगी और शाम के समय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली से जाकर न्योता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बुलाने के लिए प्रभात फेरी निकालकर, बाइक रैली निकालकर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, न्योता दिया जाएगा उस कार्यक्रम में आने का। दरअसल प्रभात फेरी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लोगों को बुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शाम के समय बाइक रैली भी निकालेंगे। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं और वहीं 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश के दौरे पर रहने को लेकर जो तैयारियां हैं उसके बारे में वे जानकारी लेंगे। लेकिन मौसम के बदले मिजाज की वजह से उनकी तैयारियों में खलल पड़ सकता है। जी हां, प्रदेश में 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई है और रुक रुक कर बारिश आगे भी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने वीवीआईपी फोरकास्ट जारी किया, जिसमें 7 जुलाई को रायपुर में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। आंध्र तट से लगा हुआ है, वहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। दूसरी चीज है कि मानसून द्रोड़ी का है, अपने सामान्य स्थिति से थोड़ा सा दक्षिण में है, जो अच्छे मानसून के या बारिश होने के अच्छे संकेत है। तो ये दोनों सिस्टम होने के कारण से अभी फिलहाल लगातार बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। लगभग प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। चूँकि प्रधानमंत्री जी का आगमन है 7 तारीख को संभावित है, तो वहाँ पर फिलहाल जनरली रायपुर में क्लाउडी स्काई रहेगा। 1-2 स्पेल में रेन भी होने के चांसेस हैं। मुख्य रूप से जो सुबह के समय है और शाम के समय है बारिश की संभावना है वो ज़्यादा है। प्रदेश में भारी वर्षा भी हो सकती है और वर्षा के साथ में अभी वज्रपात होने की भी संभावना बनी हुई है। 5, 6 और 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में वीआईपी मूवमेंट है। अमित शाह जी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, एक महती सभा को संबोधित करेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा मनीष गीते से कि दिखाए कि यहां पर डोम बनाया जा रहा है,
लगभग 1,00,000 कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रदेश की आम जनता यहाँ पर आएंगे। और बड़ी बात यही है कि इसमें साइंस कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित की जाएगी। 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि जो VIP फोरकास्ट जारी किया गया है मौसम विभाग से, तो ये है जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा उस दिन भी बरसात हो सकती है और कार्यक्रम में एक तरह से खलल पैदा कर सकता है। अभी भी देखिए झमाझम बारिश हो रही है और ये कहा जा सकता है कि 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को VIP मूवमेंट है और इस बीच अगर मौसम साथ नहीं देगा तो कार्यक्रम में खलल पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल के दूसरे दिन की अगर बात करें तो ये हड़ताल आज क्या गुल खिलाती है, क्या प्रशासनिक कोई दखलंदाजी से ये खत्म की जा सकेगी, इस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपको बता दें कि 24 मांगों को लेकर ये मंगलवार से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा किए जाने की बात लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। मांगों को पूरा किए जाने की उनकी मांग है, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर अभी कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके बाद आज से ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दूसरे दिन में है और कल से इनकी हड़ताल शुरू हुई थी और अब उम्मीद है कि इस बारे में कोई हल निकाला जाएगा। दरअसल स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ड्रेस धुलाई, क्लिनिक स्टाफ को जोखिम भत्ता दिए जाने के अलावा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत कई प्रमुख मांगों के साथ प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रमोशन किए जाने की बात, कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों से बचाने की बात शामिल है। और सूरजपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जिला अस्पताल में एक नशेड़ी शख्स की करतूत देखने को मिली, मेडिसिन स्टोर से इंजेक्शन चोरी करके भागा है। दरअसल अस्पताल के कर्मचारियों ने इस चोर को पकड़ लिया और इस घटना का CCTV भी सामने आया है। CCTV फुटेज में वो शख्स सीढ़ियों से उतरकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आरोपी नशीली दवाइयों का सेवन करता है। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड का ये पूरा मामला है। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस पर पथराव करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द होने की बात कही जा रही है। CCTV फुटेज पुलिस खंगाल रही है और पाटन में लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। दरअसल सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और अमलेश्वर थाना पुलिस की कार्रवाई। इस दौरान जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर हमला कर दिया गया और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे मामले की बात करें तो ग्रामीणों ने जो प्रदर्शन किया था उस दौरान जब पुलिस पर हमला किया गया, उस हमले में शामिल लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सूरजपुर में भटकता हुआ हाथी का झुंड पहुंच रहा है, गांव के आसपास हाथी घूम रहा है। दरअसल वन अमला ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के मसगा की ये पूरी घटना है, जहां पर हाथी पहुंचा और हाथियों का जो दल है पूरा वो आसपास मौजूद है। सूरजपुर से बड़ी खबर, गांव पहुंचा झुंड से भटका हाथी और उसी हाथी का दल गांव के आसपास भी मौजूद है और ये झुंड से अलग हो गया एक हाथी, यहां पर प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के मसगा में टहलता हुआ दिखाई दिया। शादी का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, लोग अपनी शादी को लेकर तरह तरह के अरमान सजाते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन हो। पर क्या हो जब शादी के दिन भी आपके दोस्त आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरी शादी में आपका मजाक बन जाए, जैसा बुरहानपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हे के साथ हुआ। मौका था इंजीनियर बाबू मनोज गोंदलाल के शादी का और ऐसे में दूल्हे के दोस्तों ने स्टेज पर ऐसा मजाक किया
ये सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बता दें कि स्टेज पर दूल्हे से मिलने आए उनके दोस्तों ने एक बड़ा बोरा भर के अपने दोस्त को गिफ्ट दिया। पहले सब इकट्ठा होकर स्टेज पर आए और उसके बाद एक बड़ा सा बोरा निकाला और ये बोरा दूल्हे के हाथ में थमा दिया। इसके बाद दोस्त बोरे में एक एक करके झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टबिन, प्लास्टिक की बॉटल्स डालते नजर आए और इस नजारे को जिसने भी देखा अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। शादी का दिन किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। लोग अपनी शादी को लेकर तरह तरह के अरमान सजाते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। पर क्या हो जब शादी के दिन भी आपके दोस्त आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरी शादी में आपका मजाक उड़ जाए, जैसा कि बुरहानपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हे के साथ हुआ। मौका था इंजीनियर बाबू मनोज गेंदालाल की शादी का और ऐसे में दूल्हे के दोस्तों ने स्टेज पर जाकर ऐसा मजाक कर दिया कि सब हंस हंस कर लोग पहुंच गए। बता दें कि स्टेज पर दूल्हे से मिलने आए उसके दोस्तों ने एक बड़ा बोरा भर कर दोस्त को गिफ्ट दिया। पहले सब इकट्ठा होकर स्टेज पर आए, उसके बाद एक बड़ा सा बोरा निकाला, ये बोरा दूल्हे के हाथ में ही थमा दिया। इसके बाद सब दोस्त बोरे में एक एक करके झाड़ू, पोछा, डस्टबिन, कोई बर्तन तो कोई प्लास्टिक के डिब्बे डालते हुए नजर आया। इस नजारे को जिस किसी ने भी देखा अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि दुल्हन भी हंसी के ठहाके लगाती हुई नजर आई। इस पूरे नजारे को किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और अभी वीडियो वायरल हो रहा है। और अब बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए एक थोड़ी असहज कर देने वाली खबर है। वो ये कि शाहरुख खान अमेरिका में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि शूट के दौरान शाहरुख खान की नाक पर चोट लग गई थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी नाक की एक माइनर सर्जरी हुई है और जल्द ही वो ठीक होकर वापस शूटिंग पर लौटेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बॉलीवुड के किंग खान का अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया है। वो फिल्म के सेट पर एक सीन कर रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। इस दुर्घटना में शाहरुख खान के नाक पर चोट आई है। एक्टर को आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, वहीं उनकी एक माइनर सर्जरी भी हुई। शाहरुख खान की तबीयत अब ठीक बताई जा रही है और वो वापस मुंबई लौट आए हैं। शूट के दौरान शाहरुख खान की नाक पर चोट लगी थी जिससे खून बहने लगा था। खून को रोकने के लिए डॉक्टर्स को सर्जरी करवानी पड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब शाहरुख एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए लॉस एंजलिस में थे। रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख की सर्जरी हुई और अब उनकी नाक पर पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टरों ने उनकी टीम को ये बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है और ये मामूली चोट है। शाहरुख खान अब भारत वापस आ गए हैं और अपने घर मन्नत में आराम कर रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आ रुकते हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।